देखो मर्सॉट का जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको बनाने के दो तरीके होते हैं। एक जो तरीका जो होता है वो होता है कि हम लोग डिवाइड और कंकर मेथड का यूज करें, इट मीन्स हम लोग रिकर्सन का यूज करेंगे। और एक जो तरीका होता है वो होता है मर्ज टू एरे, मतलब दो एरे को हम लोग मर्ज करेंगे। पहले मैं दो एरे मर्ज वाला कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, फिर हम लोग डिवाइड एंड कंकर रिकर्सन वाला देखेंगे मेथड क्या उसमें तरीका रहता है। इसमें ये होगा कि अगर आपके पास कोई एरे है और मान लीजिए आपने एक एरे ले लिया, अब आप इसमें क्या करेंगे, जो भी आप लोग डेटा डालेंगे वो डेटा सॉर्टिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो मैंने एक एरे बनाया, उसमें इस तरह से सॉर्टिंग ऑर्डर में वैल्यू को डाल दिया। इसी तरह से इसमें बस ध्यान ये रखना कि हम लोग वेरिएबल के नाम, मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ, आई बराबर जीरो से कब तक चल रहा है, एन तक। इसी तरह से हमारा एक सेकेंड एरे होगा, मान लीजिए उसमें भी हम लोग वैल्यू लेते हैं, और मान लीजिए मैंने उसमें लिया 9, 17, 21, 32, 38, 40। इसको मैं शुरू करूँगा जीरो से कब तक, एन तक, एम तक। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको एक एरे इनपुट करना, फिर आप दूसरा एरे इनपुट करेंगे। अब जो थर्ड एरे बनेगा उसका कंसेप्ट आप देखें क्या बनेगा, फिर मैं उसकी कोडिंग आपको बताऊंगा कंसेप्ट क्या बनेगा। ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट पोजीशन, मैं आपको कहता हूं कि अगर ए आई बी जे से छोटा है, अगर ए आई बी जे से छोटा है देन आई प्लस प्लस होगा, और यहां पर एक वेरिएबल होगा के, वो प्लस प्लस होगा। इट मीन्स 7 यहां से यहां आ जाएगा क्योंकि 7 और 9 में 7 छोटा है। नेक्स्ट टाइम जब आई इस पे आ जाएगा तो ये आई और इस जे के बीच कंपैरिजन होगा, तो इस बार 9 छोटा है, 9 छोटा है, तो 9 यहां मूव करेगा और के भी आगे मूव करता रहेगा। और अगर मैं आपको कहता हूं कि अगर बीजे छोटा है एआई से, इसकी भी हम लोग कोडिंग में लिख के आपको बताऊंगा, तब आप वही सेम चीज समझ ले कि जे प्लस प्लस होगा और के प्लस प्लस होगा। साथ ही साथ में आप क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू जो है वो सी एरे में शिफ्ट हो रही है। इसका मतलब कोडिंग के अंदर आपकी एक लाइन और आएगी कि आप ये कहेंगे कि जो सी के प्लस प्लस हो रहा है उसमें ए आई की वैल्यू आ रही है, या सी के जो हो रहा है, क्योंकि के प्लस प्लस तो हमने नीचे कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी के बराबर क्या हो रहा है, ए आई हो रहा है। और यहाँ पर जो है इसके जस्ट पहले हम लोग लाइन लिखेंगे कि सी के बराबर बी जे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जब ये इस तरह से शिफ्टिंग हो जाएगा तो दो कंडीशन हो सकती है कि जिसकी वैल्यू छोटी वाला है ये यहाँ तक चल गया, या कोई ना कोई एक एरे का एक हिस्सा आपका रह जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आप इसमें ये चाहें एक तरह से जो यूनियन होता है कि भाई अगर दोनों वैल्यू एक जैसी हो, जैसे 21 और 21 दोनों में सेम है, तब आप क्या करेंगे, तब आप उसमें किसी भी एक वेरिएबल को, जैसे मान लीजिए आपने इफ ले लिया, इसको आपने एल्स इफ करके कंडीशन लिख दी, तो आप जो नेक्स्ट जो कंडीशन है उसके अंदर आप किसी को भी सी के अंदर शिफ्ट करेंगे, चाहे ए को करो चाहे बी को करो, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। उस दौरान आई भी प्लस प्लस होगा, जे भी प्लस प्लस होगा और के भी प्लस प्लस होगा, तीनों प्लस प्लस हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बता रहा था कि इस तरह की शिफ्टिंग करते वक्त कोई ना कोई एक हिस्सा एरे का या तो इसका रह जाएगा या इसका एरे का रह जाएगा। जब रह जाएगा तो मान के चलो कि वो हिस्सा आई से लेकर एन तक का होगा, और यहां पर जो हिस्सा होगा वो जे से लेकर एम तक का होगा। अब उस हिस्से में क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्मेट में है तो सीधा एज इट इज हम लोग उसको यहां से यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो करने का तरीका क्या रहेगा, करने का तरीका ये रहेगा कि आप इसके बाद में, ये तो मैं एल्गो आपको बता ही रहा हूं, तो इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके बाद में आप कंडीशन ये लिखेंगे कि यदि आई एन से छोटा रह गया तो एज इट इज आपको उसको मूव करना है, तो एक लूप चलेगा टी बराबर आई से
कब तक, एन तक, ताकि उसको ख़त्म कर सके, टी प्लस प्लस एक वेरिएबल ले लिया आपने नया, और उस दौरान ए टी करके आप सारी वैल्यू सी के प्लस प्लस में डाल देंगे एज इट इज। इसी तरह से आप ये भी कंडीशन लिख सकते हैं कि अगर जे एम से छोटा है देन वही सेम लूप आप उसी तरह से टी का स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर सी के प्लस प्लस में जो कि जे का जो लूप जो चलेगा, मैं लिख ही देता हूँ कि फोर टी बराबर जे टी लेस देन एम टी प्लस प्लस, और सी के प्लस प्लस में आप वैल्यू जो डालेंगे वो डालेंगे आप बी टी की। अब ये दोनों डल गए, ये मैंने आपको कंडीशन बता दी, अभी मैं इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा और लास्ट में जब आप उसको प्रिंट कराएंगे तो आपको पता है कि लूप जो चला है वो एन और एम तक चला है, तो सी के की वैल्यू की सभी वैल्यूज को आप प्रिंट करा दें। तो ये मर्ज सॉर्ट हो गया, इजी तरीका है। दो एरे को जस्ट आपको क्या करना है, मर्ज करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब देखिए अगर इसकी कोडिंग की अगर हम लोग बात करें तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले जो हमने लिख रखा है अब इसमें देखें तो बेसिक आपको केवल क्या करना है, जैसे आपने लिखा मेन, मेन लिखने के बाद में आपको सबसे पहले दो एरे इनपुट करने हैं, तो आपने क्या लिखा इंटीजर ए टेन, एक ले लिया बी टेन और एक ले लेते सी ट्वेंटी, तीन एरे ले लिए। इसके अलावा आपको आई जे एन एम जो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं और एक टी नाम का वेरिएबल लिख लेते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहले हमें एक एरे इनपुट कराना है, तो मैंने लिखा सी आउट लिमिट फर्स्ट एरे की और मैंने उसको सी इन करवा दिया एन को, लूप चलाते हैं वैल्यू को इनपुट कराते हैं, तो मैंने लिखा फोर आई बराबर जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस और मैंने कर दिया सी इन ए आई, एरे इनपुट हो गया। इसी तरह से अगर मैं मान लीजिए दूसरा एरे इनपुट कराना चाहता हूँ तो मैंने वही सेम सी आउट लिमिट पूछी सी इन एम को लिया और मैंने लिखा फोर जे बराबर जीरो जे लेस देन एम जे प्लस प्लस और उसके अंदर सी इन बी जे इनपुट करा दिया, दो एरे इनपुट हो गए। अब आपको पता ही है कि कंडीशन कब तक चलानी है, तो आप वाइल लूप का यूज कर सकते हैं, लेकिन वाइल लूप से पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा कि आपका एरे कितना है। तो आपने कहा आई बराबर जीरो है जे बराबर जीरो है जो कि आप यहाँ यूज करें और के बराबर भी कितना है आपका जीरो है। ये सब इनिशियलाइज करने के बाद अब आप वाइल का लूप लिखेंगे, वाइल के लूप में आप ये कहना चाहते हैं कि आई जब तक एन तक चले एंड जे जब तक एम तक चले। वाइल का लूप आपने शुरू करा, इसे आपने पूछा कि यदि ए आई बी जे से छोटा है, कर्ली ब्रेसेस शुरू करा, आपने कहा कि अगर सी के की वैल्यू ए आई में जाएगी आई प्लस प्लस होगा के प्लस प्लस होगा, इस तरह से एल्स इफ आपने लिखा, आपने कर्ली ब्रेसेस शुरू करा, कोडिंग में आपने लिखा, लास्ट में सेमी कॉलन लगाया, इसको कर्ली ब्रेसेस बंद किया, एल्स जब दोनों इक्वल होंगे सेमी कॉलन लगाया सेमी कॉलन सेमी कॉलन, और इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग तीनों वैल्यू को शिफ्ट करें। इसके बाद में वाइल का जो लूप है ये हमारा यहीं का यहीं ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम ये पूछेंगे कि अगर आई एन से छोटा है तो लूप चल के पूरा पूरा ब्लॉक शिफ्ट करेगा, जे छोटा है तो जे वाला पूरा ब्लॉक शिफ्ट करेगा, और लास्ट में अब हमें सी को प्रिंट करवाना है, तो हम लोग फोर आई बराबर जीरो आई लेस देन एन प्लस एम और आई प्लस प्लस और एरे की जो वैल्यू जो है उसको हम लोग प्रिंट करवा देंगे। ये आपका हो गया मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम। अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग जो दूसरा जो तरीका डिवाइड और कंकर वाला वो हम सीधे कोडिंग देखेंगे।